पानी पियो, बना है पानी पियो। बहुत बड़ा धोखा किया उसने हमारे साथ। मनाही बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? तुम्हारा झगड़ा हुआ है दानियाल भाई के साथ, उन्होंने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? दानियाल के दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। उसकी नजरों में खोखला हो गया ये रिश्ता। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। इतनी जल्दी अपने वादे से मुकर गया वो। भाई क्या करेंगे आप, उस बेहिस इंसान के आगे जाके हाथ जोड़ेंगे, उसकी मिन्नतें करेंगे कि मेरी बहन को एक्सेप्ट कर लो? और करेंगे भी तो कब तक करेंगे? मेरी कोई जगह नहीं अब उस घर में। तनु क्या हो गया है दानियाल भाई को? मेरा भाई ऐसा तो नहीं था। अरे शुरू से ऐसे था वो, दिमाग खराब था उसका। वो सिर्फ फिजिकली अपाइज नहीं बल्कि मेंटली भी माजूर है वो। और उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने मेरी बहन के किरदार पे शक किया है। देखता हूँ उसको, मैं समझाता हूँ उसको, जाके अपनी जुबान में। अली अली आराम से, आखिर मैं आपको आपके मुंह मांगे पैसे दे रहा हूं। ये कोर्ट की तरफ से मुझे तीसरा खुला का नोटिस है, आपने अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं उसको तलाक नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैंने उसे तलाक दी तो वो दानियाल से शादी कर लेगी। मैं चाहता हूं कि ये केस लंबा हो जाए, मुझे टाइम चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं आपकी बात समझ रहा हूं यासिर साहब, आप बिलावजह गुस्सा हो रहे हैं। मैं दरअसल कोर्ट की तरफ से इस तीसरे नोटिस का ही वेट कर रहा था। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये केस अदालत में लंबा चल सके, इसीलिए मैं आपकी तरफ से अदालत में सुलह की दरख्वास्त दायर कर रहा हूं। सुलह की दरख्वास्त? लेकिन क्यों? आप मुझ पर भरोसा रखें, सुलह की दरख्वास्त करना बहुत ज़रूरी है। हम ये दरख्वास्त ज़रूर करेंगे मगर सुलह नहीं करेंगे। इस तरह ये केस बगैर किसी नतीजे के काफ़ी लंबा चल सकता है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं सही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डिवोर्स तक बात किसी सूरत में नहीं आनी चाहिए। चाहे सौतेली हो